नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी, विषय आसपास पर्यावरण, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। चलिए पाठ एक, डाल डाल पर ताल ताल पर। माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, दो दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। तो पूनम ने अपनी माँ को क्या बोला कि मैं दो दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, तो आज आप मुझे स्कूल जाने दो। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चार पाई पर लेट जाओ। चार पाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। तो माँ ने क्या बोला, अभी भी तुझे बुखार है तो तुम बाहर जाकर चार पाई पर लेट जाओ। और जब वो जाकर चार पाई पर लेट गई तो उसे क्या आ गई, नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा और वह हड़बड़ाकर उठी। तो अचानक जब वो चार पाई पर लेटी थी तो उसके चेहरे पर कुछ गिरा तो वो हड़बड़ाकर उठ गई। उसने देखा अपने गाल पर हाथ लगाकर, उफ ये क्या है, यह किसकी शरारत हो सकती है। यह शरारत कौवे की या तो कबूतर की हो सकती है, कौवे की ही लगती है। ऐसा किसने कहा, पूनम ने कहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमें कई तरीके के जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कबूतर, चींटी, कौवा, तोता, तितली, है ना, गिलहरी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो। अब पूनम ने कई जानवर देखे जैसे कि बंदर, तितली, चींटी, कौवा, कबूतर, तोता, तो वही सारे जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने वाले तालाब में धोआती हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे उसने पत्ता उठाकर अपने गाल को पोछा तो वो अभी भी कैसा लग रहा था, उसे चिपचिपा लग रहा था। तो उसने सोचा कि सामने जो तालाब है मैं वहाँ जाकर अपने गाल को धोआती हूँ। चलिए हमें तालाब के आसपास भी कई तरीके के जानवर दिखाई दे रहे हैं। पूनम ने तालाब पे किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम हमें यहाँ पर दर्शाने हैं, जैसे बकरी, कछुआ, मेंढक, भैंस, ठीक है, ये सारे नाम, बतख, ये सारे नाम हमको यहाँ पर दर्शाने हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तालाब पर दिखे जाने वाले का अभिनय करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवरों की अलग अलग आवाज़ भी निकालो। और जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं, इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, तो कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। चलिए अब आगे। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर हैं। चलिए यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछा है। तो उड़ते जानवर, तो उड़ते जानवर में आप क्या लिख सकते हो, कौन से जानवर उड़ते हैं, तोता। उसके बाद हम लिख सकते हैं चिड़िया। उसके बाद हम लिख सकते हैं कबूतर, ठीक है। ये तीन नाम आपको यहाँ पर दर्शाने हैं। अब रेंगते हुए जानवर, कौन कौन से जानवर रेंगते हैं, तो आप लिख सकते हो सांप, अजगर, और मगरमच्छ। ठीक है, अब देखिए चलते जानवर, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, गाय, बकरी, कुत्ता, ठीक है। चलिए कूदते, कूदते जानवर कौन कौन से हो सकते हैं, तो जिसमें आप लिख सकते हो मेंढक, चूहा, और उसके बाद आएगा खरगोश।
ठीक है, पंख वाले जिनके पंख होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो मोर, है ना। गोरैया, चिड़िया। अब आगे पैर वाले जानवर जिनके पैर होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि बैल, घोड़ा, ऊंट, है ना, पूंछ वाले, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। ये सारे नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, तो कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, तो कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आया, और ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखना है।